सीरियल मनमोहनी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां आज सिया की जान को है खतरा और वो है हॉस्पिटल में एडमिट। राम सिया की जान बचाने के लिए कभी तांडव तो कभी तपस्या करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज राम ने किया है वट सावित्री की उपास, जो अक्सर सुहागिन औरतें किया करती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन आज राम ने रखा है ये उपवास सिया को बचाने के लिए, क्योंकि राम चाहते हैं कि हर हालत में सिया की जान बच जाए। लेकिन राम की इस तपस्या में कांटा बनकर खड़ी है मोहिनी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राम सिया का हो जाए और वो मनमोहिनी को भूल जाए। इसीलिए आज जब राम वट सावित्री की पूजा कर रहे होते हैं सिया की जान बचाने के लिए, तब मोहिनी राम के इस पूजा में खलल डालने की करती है कोशिश। लेकिन राम हर कठिनाइयों के बाद भी अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। तो कहीं तांडव तो कहीं व्रत सिया को बचाने के लिए, आज मतलब आज भी कुछ देखने मिला, आज क्या चल रहा है बता। मैंने सिया को बचाने के लिए तांडव किया और पूजा की मंदिर में जाकर, और भगवान को बोला कि अगर आप सिया को नहीं बचाओगे तो मैं तांडव करते करते खुद को मार लूँगा। तो वहीं पर एक दैविक शक्ति आती है बच्ची के रूप में, वो मुझे बोलती है कि आप जाओ और ये व्रत रखो और सिया ठीक हो जाएगी। तो आज मैं यहाँ पर वट सावित्री का व्रत रखने वाला हूँ, और जिसके लिए मुझे बरगद के पेड़ के चक्कर काटने हैं। ये मैंने एक ब्रेसलेट बनाया है पत्तों का एज अ साइन ऑफ लक। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सावित्री जी ने पूजा रखी थी कभी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, तो आज मैं ये पूजा रख रहा हूँ अपनी वाइफ को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं देखा गया आपको डोर बांधते हुए, आपके हाथों से खून निकल रहा है, तो भी आप रुक रहे नहीं है। हाँ, नहीं रुक सकता, सच्चा प्यार है राम को। तो क्योंकि राम ने कोशिश की थी धागा बांधने की पेड़ के चारों तरफ, जो उससे हो नहीं पाया, धागा 3 बार टूट गया। मोहिनी ने काफ़ी अड़चने डाली उसमें और वो धागा टूटा, लेकिन राम को तब समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो राम जाता है शिव जी के पास, उनके त्रिशूल पर हाथ रखता है, अपना हाथ काटता है और जो खून होता है उस खून से वो 7 बार परिक्रमा करता है उस पेड़ की। तो वो उसने जो अपनी धागे से भी स्ट्रांग एक अपना एक अंश दे दिया उसने उस पेड़ को अपने खून से। तो राम ने तो अपना 1000% लगा दिया सिया को बचाने के लिए। हॉस्पिटल में है सिया और राम यही प्रे कर रहा है कि किसी भी तरह बच जाए वो। तो क्या सर आगे के एपिसोड में सिया बच जाएगी या? मैं तो यही चाहता हूँ सिया बच जाए और उम्मीद पूरी है। ट्विस्ट तो देखो हर एपिसोड में है और उम्मीद यही करता हूँ कि सिया बच जाएगी। और अभी मोहिनी क्योंकि हार नहीं मानने वाली है, अगर मैं इतनी जान लगा रहा हूँ तो मोहिनी डबल जान लगाएगी सिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये अभी टक्कर चल रही है राम और मोहिनी की इनडायरेक्टली, जबकि राम को पता नहीं है कि मोहिनी ही ये सब कर रही है। उसकी नज़र में देव की दाई भी, दाई माँ भी क्रिमिनल हैं, उन्होंने क्योंकि सिया के ऊपर अटैक किया है राम की आँखों के सामने। तो आई थिंक सिया तो बच जानी चाहिए। उसके आगे क्या होगा, दाई माँ के साथ क्या होगा, मोहिनी के साथ क्या होगा, राम को क्या क्या पता लगता है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं अभी। थैंक यू सर।